व्यू का एंड्रॉइड बोर्ड है जिसमें फॉल्ट है स्टैंड बाई, ठीक है। स्टैंड बाई के फॉल्ट आजकल बहुत आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो उनमें से एक और फॉल्ट आपके सामने मैं लेके आया, ठीक है। आगे कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर मैंने बल्ब का लोड दिया हुआ है बैकलाइट के लिए, अगर जो प्रोटेक्शन में जाता है तो ये प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा, बैकलाइट नहीं लगाई हुई होने की वजह से। तो मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ देख सकते हैं स्टैंड बाई इंडिकेटर आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, सो इसका इलाज क्या है देख लेते हैं। 12 वोल्ट की जगह पे 9.2 वोल्ट है। ओके, सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे लोड के साथ ये 9 वोल्ट 9 ही रहते हैं, तो हम एक लोड लगा देते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड के साथ भी 9 वोल्ट बैठते नहीं है, इसका मतलब रेगुलेशन ओके है, ठीक है। इसमें जैसे ही पावर ऑन करेंगे तब ये 9 से 12 हो जाएंगे, ठीक है। अभी इस समय पे 9 वोल्ट ही रहेंगे बिकॉज अभी पावर ऑन वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज नहीं आए। यहाँ पर मैंने 10 के का रजिस्टर स्विच के साथ शॉर्ट कर दिया है, स्विच के साथ। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट 10 के थ्रू PWM स्विच और स्टैंड बाई पे दे रहे हैं कि मैं देख पाऊँ सभी चीज एक ही बार में। ओके, और स्विच। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल कनेक्शन। अभी हमें 12 वोल्ट यहाँ पर मिलने चाहिए तभी हम पावर सप्लाई से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वोल्टेज हम दे रहे हैं, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट बन चुके हैं और यहाँ 16 वोल्ट की हालत क्या है, 17.8 वोल्ट, और बल्ब भी पूरा ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब पावर सप्लाई कंप्लीट है। ओके, मदरबोर्ड से वो सिग्नल नहीं आ रहा है जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर स्टैंड बाई स्विच, ओके, और PWM। अभी वोल्टेज चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम जो चेक कर रहे हैं ये 5 वोल्ट चेक कर रहे हैं, 5 वोल्ट ओके है। यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट यहाँ पर ओके है, 1.8 वोल्ट EMMC के ओके हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट ओके है, 1 वोल्ट यहाँ पे हमें चेक करना है ओके है, 1.5 वोल्ट ओके है। तो सभी वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पर, ओके। और पैनल के वोल्टेज तभी बनेंगे जब यहाँ पर टीवी ऑन होगा। तो यहाँ पर टीवी है स्टैंड बाई में, तो पैनल के कोई भी वोल्टेज नहीं बनेंगे यहाँ पर। सो मैं यहाँ डेटा ज़ीरो चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 0.48 की रीडिंग बता रहा है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। और हम सभी डेटा लाइंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 0.48 कोई शॉर्ट है तो हमें पता चल जाएगा यहीं से। सो यहाँ पर शॉर्टिंग बता रही है, ओके, ये डेटा लाइन शॉर्ट बता रहा है 008 से, ओके। और यहाँ ये ठीक है, ओके। इसके बाद हम सभी चेक कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है, ये ओके। सिर्फ हमें जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो इस जगह पर है, ठीक है, ये R151 ग्राउंड बता रहा है दोनों साइड से। मीटर भी दिखा दो साथ ही साथ, ठीक है, ये दोनों साइड से 43 ओम्स की शॉर्टिंग। EMMC साइड से बड़ी शॉर्टिंग है क्यों, 34 ओम्स का रजिस्टर है तो EMMC साइड से 8 ओम्स की रजिस्टेंस ऑलरेडी है। 8 प्लस 34 कितना हुआ, 42, ठीक है। तो इस साइड में हमें कितना दिख रहा है, 43, और इस साइड में 8, ठीक है। तो EMMC में शॉर्टिंग है, हम EMMC IC निकाल कर रिबॉलिंग करके लगा के देख लेंगे। पहले निकालने के बाद हम यहाँ देख लेंगे कि शॉर्टिंग हमारी रिमूव होती है या नहीं, ठीक है। IC निकाल रहे हैं हम। ये डेटा 7 पिन है, R151 जो शॉर्ट बता रहा था, यहाँ पर हम अभी जो चेक कर रहे हैं 846 बता रहा है, और ये B6 पे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6,
ओके। सो B6 यहाँ पे क्या है हम बता देते हैं, डेटा 7 पिन। सो डेटा 7 पिन जब भी शॉर्ट होती है, देखो शॉर्ट होने का चांस भी किस कौन सी पिन का हो सकता है, देखो ये VCC के साथ शॉर्ट हो सकती थी या तो VSS के साथ, ठीक है, मतलब VSS मीन्स ग्राउंड। सो ये आजू बाजू में देखो डेटा की कोई और पिन कनेक्टेड है, VSS डेटा 5 शॉर्ट हो सकती थी, ठीक है ना, क्योंकि डेटा 5 और VSS का बॉल्स दोनों पास पास में है, यहाँ पर डेटा 7 और VSS के बॉल्स पास पास में है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट निकला हमारा वो यहाँ पर निकला। हम डायोड की रीडिंग ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट डालना है आपको, अगर जो ये मीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप 0.834 की रीडिंग दे रहा है ये, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोसेसर की साइड की रीडिंग बता रहा है, EMMC की नहीं, EMMC की होगी तो ये 0.4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी प्रोसेसर की साइड से रीडिंग बता रहे हैं, हम एक एक करके सभी डेटा लाइन भी चेक कर रहे हैं और क्लॉक और कमांड भी। तो यहाँ पर जितने भी हैं 820 से लेके 830 के बीच में रेजिस्टेंस डायोड टेस्ट की रीडिंग बता रहे हैं, मतलब 0.83, ठीक है। हम IC लगाने के बाद दोबारा ये पूरी रीडिंग लेंगे डायोड टेस्ट की कोल्ड टेस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल्स पूरे हमने क्लीन कर लिए हैं, अभी हम स्टेंसिल का यूज़ करके इसकी रिबॉलिंग करेंगे, ओके। ऑल सेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिबॉलिंग कंप्लीट कर ली हमने, हमारी ट्रेनिंग में आपको देखने मिलेगा और आपसे ही करवाया जाएगा। हम प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं इसकी और बोर्ड पे लगाने के बाद आपको बताते हैं कि क्या हुआ इस बोर्ड में। IC को प्रोग्रामर में फिट करेंगे, प्रोग्रामर के एडेप्टर में फिट कर रहे हैं IC को, और EMMC IC हमने फिट कर दी है और प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। ये टूल बॉक्स है, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। पूरे डेटा को इरेज कर देंगे चारों चार, बूट 1, बूट 2, CSD और यूजर एरिया। हमने सभी पार्टीशंस के डेटा इरेज कर दिए हैं, अभी फटाफट हम CSD फाइल लोड कर देते हैं इसमें। CSD फाइल डालने पर बूट 1 पार्टीशन इज एनेबल्ड फॉर बूट, यहाँ पर हम बूट 1 डालते हैं और चेक करते हैं कि बूट 1 में हमारे डेटा है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा है इसमें, ये हम क्लोज कर लेते हैं। बूट 2 डालते हैं, बूट 2 खाली होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट 2 में कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसमें बूट 1 में ही डेटा स्टार्ट होगा और यूज़र एरिया से हमारी एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर लोड होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारी 4 फाइल हमने राइट करने के लिए रख दी है, हमने पहले इरेज कर दिया था डेटा, अब हम राइट कर रहे हैं, ओके। हमने डेटा राइट कर लिए है, प्रोग्रामिंग कर ली है और सॉकेट में से IC निकाल लेते हैं। अभी हम IC लगा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट वाली जगह पे हमें
आईसी को फिट करना है, ओके। और इसको इस तरह से रखना है कि इसमें चार कोने दिए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी आईसी के लिए भी, बड़ी आईसी के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोना, ये कोना और ये कोना और ये कोना, ये इस आईसी का है, ठीक है। हमें इसी के बीच में रखना है। ये सोनी और ये सभी कंपनी में आईसी के लिए मार्किंग दी होती है, ओके। अभी देखो मैं पकड़ तो नहीं रहा हूँ आईसी को, तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक ही जगह पे सेंटर पे रखूँगा। देखो आईसी अपनी जगह पे नहीं होती तो अपनी जगह आ जाती। अभी इस समय पे हल्का सा आपको ये देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी हिलकर वापस आई है, हमारी आईसी बैठ गई है। अब थिनर मारने में जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है, ओके। अब हम थिनर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा हमने वेट किया था, हीट होने के तुरंत बाद हमने थिनर स्प्रे नहीं किया। अभी मैं डायोड टेस्ट की रीडिंग ले रहा हूँ, ये R151 जो डेटा 7 पिन के साथ यहाँ EMMC में कनेक्टेड है, और डेटा 7 पिन प्रोसेसर की कनेक्टेड थी, जो शॉर्ट था वो इस हिस्से में था EMMC साइड, ओके। अभी हम 8 ओम्स की शॉर्टिंग थी, अब हम चेक कर लेते हैं आईसी लग गई है और देख लेते हैं कि ये शॉर्टिंग रिमूव हुई या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.417 हो गई है रीडिंग। मैं 0 पॉइंट लगा रहा हूँ बिकॉज इस टाइप के मीटर में 0 पॉइंट लगाना ज़रूरी है। ये सभी रीडिंग्स जो है 0.417 की या 4 की सीरीज में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सभी की रीडिंग ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके। ये जो रीडिंग है ना, चौथी क्लॉक की है, ओके। और CMD की रीडिंग देख लेते हैं, अभी तक सब सही है। अभी बोर्ड को ऑन करके देखेंगे हम, इसके बाद कोई भी शॉर्टिंग अब नहीं है। और जो मैं बात कर रहा था आपसे कि 1 वोल्ट की जो लाइन है उसे हमें देखना है, 0.242 बता रहा है और ये बता रहा है 0.246, ठीक है। तो ये नॉर्मल अभी है, ठीक है। अभी हम हीट सिंक लगा लेते हैं इसके ऊपर जो है, बोर्ड को ऑन करके देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो रेड है, और इसे हम जब चालू करते हैं तो यहाँ पर आप दिखा दो, ये इसका मतलब बैक लाइट चालू हो गई है,